कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन ट्राइंग टू इंक्रीज योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। फेसबुक का तो पता नहीं, लेकिन अगर एक साइड से कुछ छपरी कंटेंट को साइड रखेंगे तो इंस्टाग्राम थोड़ा बेस्ट है। और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं। ऐसे ट्रिक्स के पीछे पड़ के कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ते और कंटेंट कोई भी वायरल नहीं होते। योर फ्रेंडली यूट्यूबर मेंटर, दिस इज टीबीजेड गुरु। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स करते हैं। अभी वीडियो में आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और इन पर हम ये भी डिस्कस करेंगे ऐसे मिस्टेक्स से आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कैसे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं। अभी चलते हैं मेन टॉपिक पर। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली बहुत कम लोग करते हैं, फेक फॉलोअर्स। बहुत से इंस्टा प्रोफाइल्स और कुछ वेबसाइट्स में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सेल करते हैं। ऑब्वियसली सब यहाँ से बाई तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे मिस्टेक करते हैं। ये फेक फॉलोअर्स तो आ जाएंगे, लेकिन कोई भी कंटेंट वायरल नहीं होने वाला। और विद इन 6 मंथ्स के पहले ये सभी फेक फॉलोअर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये मिस्टेक सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत करो। एक और मिस्टेक है यूजिंग इररिलेवेंट हैशटैग्स। जिसके रिलेटेड पोस्ट करते हो सिर्फ उसके रिलेटेड ही टैग्स को यूज़ करना चाहिए। ये भी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही नहीं, हर एक सोशल मीडिया पे अपलाइड करना चाहिए। एक टाइम सोचो, कोई बंदा बहुत ही दुखी और डिप्रेशन में है और वो टाइम पास करने के लिए रील स्क्रॉल कर रहा था और आप ऐसे रील अपलोड कर दिए जो और भी डिप्रेशन में डाल देती है और हैशटैग यूज़ किए फन कॉमेडी और आपकी वीडियो डिप्रेशन वाले बंदे के पास गई। सो यहाँ दोनों का नुकसान हुआ, आपको और डिप्रेशन वाले बंदे को भी। सो सैड है ना, बट यहाँ मेन टॉपिक है, अभी आगे देखो। सो यहाँ पे आपका नुकसान कैसे होगा? सिंपली जिसने वीडियो देखा उसने शेयर नहीं किया और लाइक भी नहीं किया और रिपीट करके नहीं देखा। अभी सोचो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो ऐसे ऐसे डिप्रेशन में हैं और वीडियो को नहीं देखे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी आप खुद ही समझ जाओ। ऐसे इररिलेवेंट टैग से क्या होगा, आपके रील्स पे इंप्रेशंस नहीं आएंगे और रील्स आगे नहीं जाएगी। सो रिलेवेंट टैग्स आर कंपलसरी, इस मिस्टेक से तो ज़्यादा ही बच के रहना। और नेक्स्ट, पोस्टिंग लो क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज। एक ज़माना था जब लोग छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर भी वीडियोज देख रहे थे, वो बहुत अच्छे दिन थे। बट आज के ज़माने में आपको HD देखने का नशा चढ़ा है, क्वालिटी नहीं तो देखना भी पसंद नहीं करते। कोशिश करें कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। एंड वन मोर कॉमन मिस्टेक, नॉट एंगेजिंग विथ योर फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स से रिस्पॉन्स भी करते रहो, इग्नोर मत करो किसी भी फॉलोअर को। एटलीस्ट लेट रिप्लाई ही सही, ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करते रहो, इससे दोनों का फायदा होगा। ये कैसे आप खुद ही समझ सकते हैं। और एक मेन पॉइंट है, ये मिस्टेक ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, पोस्टिंग टू ऑफन और नॉट ऑफन इनफ। पोस्ट्स रेगुलर अपलोड का मतलब ये नहीं कि आप बैक टू बैक हर मिनट को या हर घंटे को एक पोस्ट करें, उतने ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, ऑडियंस बोर हो जाएंगे। और उतना भी नहीं करना चाहिए कि ऑडियंस आपको भूल ही जाए। मेरी बात मत करो, मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड्स करने का कोई शौक नहीं। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स, नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स, नॉट कोलैबोरेटिंग विद अदर इंस्टाग्राम यूजर्स। बाकी ऐसे ही बहुत से मिस्टेक्स हैं, सभी एक वीडियो में बताऊंगा तो मुझे अगले वीडियोस के लिए कंटेंट भी नहीं रहेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। सो अगले अपकमिंग वीडियोस पे और भी टिप्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए याद रखो, मदद चाहिए तो भूलने का नहीं, TBZ गुरु के नाम से एक यूट्यूब चैनल जिंदा है।